पिछले दिनों मेरे पास आए थे सकलैंड मुश्ताक भाई, उन्होंने एक वाक्य आपका सुनाया था कि इंग्लैंड में आप क्रिकेट खेल रहे थे, वालदा का आटा खत्म हुआ, आपने कहा छड्डो परे मैच नू, मैं पाकिस्तान जा रहे हैं। तो इस दौर के अंदर हाउ इज इट पॉसिबल, यानी आप किसी को कॉल करते यार जाओ फलां जगह से उठाओ कर दो, ये लगाओ। और खासतौर पर आपसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पब्लिक आपका एक और फेस देखती है कि यार सख्त मिजाज और बड़ा स्ट्रांग, लेकिन अगर वालदा के मामले में, क्योंकि मेरे कुछ और भी करीबी दोस्त हैं जिनसे मैंने आपके बारे में पूछा है, वालदा के मामले में आप इंतहाई कमजोर। देखिए कुरान की आयत भी है ना, आप वो भी पढ़ें कि अपने माँ बाप के साथ इज्जत के साथ पेश आया करो, जैसे और अपने शोल्डर झुका के बात किया करो और आंखें नीचे किया करो जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए। मेरी तशरी ये है, मैं नाकस आदमी नाकस अक्ल, मैं कहता जैसे कटा हुआ मुर्गा नहीं गर्दन पड़ी होती, माँ बाप के सामने ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिछे हो, आपके पर बिछे होने चाहिए। और कामयाबी का राज बताऊं सच्ची बात, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, मुझे कभी भी जब भी तकलीफ आई, कोई चीज अल्लाह से मांगनी हो तो मैं अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांगता था, मैं पहले अपनी माँ की खिदमत करता था, अपने बाप पे जब भी लगाता था, मालिश करता था, उनको एक्सरसाइज कराता था, जब वो बिल्कुल खुश हो जाती थी खिला पिला के। और आपको ये भी पहली दफा बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, कभी बताया नहीं, मैं अपनी माँ का ड्राइवर बना रहा हूँ 10 साल, मैं 3-3, 4-4 घंटे इस्लामाबाद में गाड़ी चलाता था उनके लिए, घुमाने के लिए, वो दुरुशी पड़ती रहती थी, मैं उनको घुमाता रहता था, जब वो वापस आई थी थक जाती थी बैठ बैठ के, उनको पैर दबाना, टांगे दबाना, उनके शोल्डर दबाना, उनकी कमर दबाना, उनका सर दबाना, दबा दबू कर, दबा दबू के सारा कुछ कर लिया। अब मैंने उनके पैर पकड़े और सीधा अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, ऊपर से ठक करके चीजें मिल गई। हाँ सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए आपको, मैं आपको दुआ के तरीके बता रहा हूँ, आपको प्रोटोकॉल सिखा रहा हूँ कि अल्लाह से मांगते कैसे। अगर माँ बाप जिंदा है तो आप यही काम कर ले उनके साथ, तो अल्लाह आपको क्या नहीं देगा। कभी मार भी पड़ी माँ बाप से? बेहद। अच्छा हाँ, शरारती तो हद दर्जे का, नॉर्मल तो नहीं हूं ना मैं, एक्सट्रीम वाला आदमी हूं, एक्सट्रीमिस्ट हूं, तो शरारते हद दर्जा ज्यादा। सबसे ज्यादा मार कब पड़ी थी, कोई खास वाक्य आपको याद हो? कि मैंने ऐसे यार मेरा तो बचपन गुजरा ही, मेरा ख्याल 16 साल तक तो कुट खा गई। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल में हर एवरी सेकंड डे मुझे मार पड़ती थी। ओहो माशाल्लाह। तो मैं कभी किसी को मारा, कभी किसी ने मुझे मारा, फिर घर से मार के आई, 3 बड़े भाई थे वो बारी बारी मारते थे, तो फिर अच्छा। उसके बाद माशाल्लाह अब्बा जी खत्म होते थे 3 भाई, फिर उसके बाद जो मेरे से बड़ा भाई था उबैद, वो कभी मुझे मारता, मैंने एक दिन रख के मुक्का मारा उसकी बखी में, मैंने कहा तू भी चक्कर में मार रहा है। अच्छा। तू तो 3 साल बड़ा है। अच्छा। तू तो यार तू तो रिलैक्स करना, ठीक है बाहर लेने में बचपना गुजर गया शरारतों में। और बट जो ही मैंने समझा कि 15 साल की एज में आ गया, तो मैंने समझा यार कि अब मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना, तो मैं कॉलेज में था, एफए कर रहा था, तो एक मेरी एफए मैंने पता नहीं कर लिया, क्या किया पता नहीं, याद नहीं मुझे, तो मेरे ख्याल मैंने एक एक सब्जेक्ट में रह गया था, उसके मैंने अभी भी एग्जाम देना है, सो सप्ली आ गई थी, ठीक है, तो वहाँ से क्रिकेट में चला गया, क्रिकेट से आगे मैं फिर सुपरस्टार बन गया एकदम गया। और जिस तरह मेरी पर्सनैलिटी, जिस तरह मैं दिखता हूँ, जिस तरह बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बेचारे, तो उनको लगता है ये ओवर पावरिंग करता है हम पे, हालांकि मैं ऐसा हूं नहीं ओवर पावर करने वाला, मैं तो बड़ा आजिज इंसान हूँ, हालांकि अगर इफ यू कम टू नो मी, मैं एक्चुअली अपनी माँ की तरह बड़ा फकीर आदमी हूँ, तो बेसिकली मलंगों और फकीरों को ही मिलता है। आप उठा के देख लें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलेंगे, ये सारे मलंग और फकीर टाइप होते हैं, ये कोई इतने तेज या इतने कोई होशियार नहीं होते, दे आर नॉट द मोस्ट क्लेवरेस्ट वन, दे आर नॉट द मोस्ट वाइजेस्ट वन, ये बस आता ही चीजें अल्लाह को आ जाते हैं ऊपर। और बाकी इनका जो फेथ सिस्टम है ना, फेथ वो इतना स्ट्रांग होता है कि अल्लाह से कुछ भी मंगवा ले, अल्लाह से कुछ भी मांग के ले ले, क्या बात है। सो ये फेथ सिस्टम का है सारा मामला है। और बाकी गोडों में दर्द ना होता तो मैं 500 उठ कर जाता, अगर मैं कुदरत के आगे मजबूर था, मेरा जिससे मेरा साथ नहीं दे रहा था, अलग मुझसे ज्यादा ट्रेनिंग वो नहीं करता अभी भी, बट हैविंग सेड दैट, बट व्हाट फन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, और बड़ा मजा आया पाकिस्तान के लिए खेल के, बड़ा दिल से खेला हूँ, जान से खेला हूँ, डरा के खेला हूँ, मार के खेला हूँ, मैंने कहा नहीं छोड़ना सारों को। वैसे आप जिस तरह उस तरह मैंने जिंदगी गुजारी, और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मेरा एंड अच्छा हो। जिंदगी ये ना लोग कहते नहीं यार देखो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, मैं कहता हूँ दफा करो यार जिंदगी अच्छी गुजारी, उस बंदे का एंड कैसा देखो कैसा हो, एंड में अगर वो बदनाम होके मरा, फारग मरा, जलील होके मरा है, वो फजूल आदमी था, वो बेकार आदमी था, उसका प्रोसेस ठीक नहीं था,